तो सबसे पहले जो है हम व्हीटस्टोन ब्रिज शुरू कर देते हैं, है ना। ये हमारा आ जाएगा व्हीटस्टोन। व्हीटस्टोन तुम्हारा भी है, रखो अब फोन फटाफट, मारूंगी मैं फोन, रखो इमीडिएटली प्रियंका। चलो सो थैंक यू। चलो फोन रख लेके मारूंगी नहीं तो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। R1, R2, R3, R4 इधर हम लोग इसमें बीच में लगा देंगे गैल्वेनोमीटर। तुम इन लोगों का होम असाइनमेंट है ना, ये रहा आ जाओ अभी, दो दो कलर कर दो। ये मुझे क्यों लगता है कि ये चैप्टर बनने वाला है, ये चैप्टर उधर रखा हुआ MCQ और नीचे से दो थ्योरी वाला, ये तो मैं नीचे तो थे ठीक है। सो यहाँ पर लेट अस से करंट आई फ्लो कर रहा है, ऑलराइट। अब यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर करंट जो है वो डिवाइड होगा I1 एंड I2, ठीक है। हम लोग यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन, ठीक। सो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या कहता है, गैल्वेनोमीटर में किसी कोई भी करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। प्रियंका मुझे तुम दिख नहीं रही हो, किसको? ऑलराइट। सो यहां पर इन बैलेंस्ड कंडीशन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। सब लोग का डायरी मेंटेन है ना पूरा, ओके है ना। सो लेट अस से कि मैं यहाँ पर पॉइंट्स को नेम कर देती हूँ, है ना। इस पॉइंट को नेम कर दिया एज ए बी सी एंड डी, क्लियर है। तो अगर गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, उसका मतलब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट डी एंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ये दोनों तुम्हारा क्या होंगे, सेम होंगे। पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए करंट के फ्लो होने के लिए, है ना। देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट वी बी इज इक्वल टू वी डी। ये ना छोटा छोटा चीज तुम्हारे से पूछा जा सकता है। तो डायरी में क्या करोगे, व्हीटस्टोन ब्रिज ये डायग्राम बनाओगे, बैलेंस कंडीशन में लिख दोगे गैल्वेनोमीटर शोज, ये तुम पॉइंट वाइज लिखो ये सारा सब कुछ। तो वी बी इज इक्वल टू वी डी, और डायरी में तुम सीधा सीधा कंडीशन भी लिख लोगे, R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4, ठीक है। बहुत सुने ये सारा सब तुम्हारा डायरी में रहेगा, प्रूविंग हम लोग करेंगे रजिस्टर। इस बात को कोइंसिडेंस, ये क्रिसमस भी तुम्हारा संडे का है और न्यू ईयर भी संडे का, और तुम लोग एनीवे सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो मेरी तरफ से क्रिसमस का छुट्टी और न्यू ईयर का छुट्टी। अभी तक कुछ नहीं आया है, जब तक तुम्हारा प्रॉपर बोर्ड से नहीं आ जाता हम लोग तब तक कुछ नहीं मिला। ICSE का शुरू हो जा रहा है 13th of Feb से, तो मोर और लेस CBSE भी उसी के अराउंड है, इसी वजह से बोल रहा है। अभी और क्यों पीछे करा, आगे रखो चेयर, चप गजब इसका रहता। ओ प्रियंका हट जाओ उधर,
नहीं पीछे नहीं, इधर ही। हाँ तुम उधर जाओ, तुम लेट आए हो, उधर जाओ। गुड बॉय। लिख लिया डायरी में? डन। यस बातें बंद, प्रवित मैं आगे कर दूंगी अब। ओके तो इसके प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, लूप लॉ लगाएंगे। ऑल राइट, दो हमारे पास लूप्स है, लूप ए बी डी ए। कल वाले क्लास में हमने क्या करा था, लूप लॉ में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस है सबको अगर ऐड करेंगे तो सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस वुड बी जीरो इन अ क्लोज लूप। ऑल राइट, सो लूप लॉ जहां पर भी लगाना, सबसे पहले मुझे हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल मार्क करना होगा। वो हम मार्क करेंगे बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट फ्लो कर रहा है किस तरीके से, उस हिसाब से ये हाई ये लो। आर टू में ऊपर वाला पॉइंट वुड बी हाई एंड ये हो जाएगा लो। अच्छा अब जो है यहाँ पर जब करंट आ रहा है, ऑल राइट, यहाँ पर अब सबका फोकस, ये जो तुम्हारा करंट है वो क्या चाहेगा कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो, मतलब कि यहाँ पर डिवाइड होना चाहेगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू एंड आर फोर के थ्रू। बट बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, तो पूरा का पूरा करंट फ्लो हो जाएगा थ्रू आर फोर। हाँ मैं ये कह रही हूँ बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, यानी कोई भी करंट नहीं फ्लो करना चाहिए जिस ब्रांच में तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है। अग्रीड। सो ये तुम्हारा आई टू आ रहा है ना, पॉइंट डी पर क्या करना चाहेगा, ये स्प्लिट होना चाहेगा, बट गैल्वेनोमीटर के थ्रू तो करंट नहीं फ्लो हो सकता, सो द एंटायर करंट हैज टू फ्लो थ्रू आर फोर। एंड ऊपर वाले में भी तुम्हारा सेम चीज ही ट्रू रहेगा, यहां पर जो तुम्हारा आई वन आ रहा है पॉइंट बी पे वो अगेन स्प्लिट होना चाहेगा, गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, सो द एंटायर करंट हैज टू फ्लो थ्रू आर थ्री। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा आई वन आर थ्री के थ्रू भी, और आई फोर के थ्रू भी तुम्हारा हो गया आई टू। क्लियर है? ओके सो यहां पर लूप ए बी डी ए में क्या हो जाएगा, लेटर से कि हम लोग क्लॉकवाइज सेंस में चल रहे हैं। ठीक है, तुम कोई भी सेंस ले सकते हो। ठीक, तुम्हारे को खाली क्या देखना है कि तुम्हारे को रास्ते में क्या दिख रहा है, ड्रॉप दिख रहा है कि गेन दिख रहा है। सो यहाँ पर जब हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ए से चलना शुरू किए लेटर से, तो आर वन के अक्रॉस क्या दिख रहा है, ड्रॉप, हाई टू लो जा रहे हैं, ड्रॉप दिख रहा है कितने का, आई वन माइनस ऑफ आई वन आर वन। गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है उसके अक्रॉस, है ना, तो उसमें हमारा कुछ भी नहीं आएगा। अब डी से ए के तरफ जाएंगे तो क्या आ जाएगा पोटेंशियल में, वेरी वेरी गुड, राइज आ रहा है, गेन आ रहा है, तो प्लस कितना आई टू आर टू, और सेम ही पॉइंट पर आ गए तो ये इक्वल टू जीरो हो गया। सो आई वन आर वन इज इक्वल टू आई टू आर टू। ऑल राइट, सो आई टू बाई आई वन हो जाएगा हमारा आर वन बाई आर टू, ये हो गया हमारा इक्वेशन वन। एनी डाउट एनी वन? सदभव अब हम लोग दूसरा वाला लूप पकड़ लेते हैं, बी सी डी बी, बी सी डी बी। ठीक है, तो मैंने जिस सेंस में नेम रखा है उसी सेंस में मैंने ले लिया, जरूरी नहीं है कि तुम एक लूप में, मतलब दूसरे वाले लूप में तुम क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज, जैसा तुम्हारा मन करे। यहाँ पर नहीं मार्क करा ना, ये भी तुम्हारा हाई ये लो, और आर फोर में ये हाई एंड दिस वन विल बी लो। क्लियर है? मैंने इन लोगों को छुट्टी दे दिया 24th और 25th का, 31st और 1st का, सैटरडे संडे। उसके बाद लेकिन फिर वो लोग उनको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आ जाओ पढ़ा देंगे। हाँ संडे को, लेकिन मेरा टाइमिंग वही रही। हे भगवान।
ओके इधर बी सी डी बी, बी से चलना शुरू कर रहे हैं, क्या आ रहा है यहाँ पर पोटेंशियल में? ड्रॉप, माइनस ऑफ आई वन आर थ्री। प्रवित क्या कर रहा है? फोन कहाँ है? फोन कहाँ है? कहाँ है? मेरे पास ही है का क्या मतलब? हाँ तो उधर क्यों दिखा रहे हो तुम? मेरे पास ही ऐसा कौन करता है? तुम्हारा फोन कहाँ है? बैग में है? बैग में रखो। माइनस ओ हो, फोन किसी हालत में नहीं भूलोगे बेटा, ऑक्सीजन आना बंद हो जाएगा तुम लोगों का। हाँ तो यहाँ पर रख जाओ बैग, मेरे को क्या जा रहा है? अगर तुम फोन निकाल करके चले जा रहे हो और बैग भूल जा रहे हो तो शॉक से जाओ, मैं नहीं आऊंगा। और उसके बाद फिर तुम्हारा माइनस से पॉजिटिव जा रहा है तो गेन आ रहा है, आई टू आर फोर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? आई वन आर थ्री इज इक्वल टू आई टू आर फोर। सो ये हो गया तुम्हारा आई टू बाई आई वन इज इक्वल टू आर थ्री बाई आर फोर, इक्वेशन नंबर 2। दोनों में हमारा आई टू बाई आई वन आ गया, देयर फोर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कुछ भी निकाल लो, आई टू बाई, अरे आई टू बाई आई वन इज इक्वल टू आर थ्री बाई आर फोर हो रहा है ना, ये आई वन को नीचे भेजा और आर फोर नीचे आया। नहीं, यही करवाया था मैंने, आई वन आई आई वन बाई आई टू। डायग्राम तुम्हारा सेम ही चीज आएगा वहां पर भी, है ना? खाली मैंने नोटेशंस अलग लिखा होगा, ऊपर नीचे कर दिया होगा, आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, बस यही कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ जा रहा है? आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू आर थ्री बाई आर फोर, है ना? कंफ्यूजन श्योर है ना? वही सेम चीज ही आ गया लेफ्ट ब्रांच में तुम्हारा जो ऊपर। यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, इस डायग्राम में देख लो, ये यहाँ पर डिवीजन का साइन लगा दो, आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू आर थ्री बाई आर फोर, ये चीज हो रहा है। अब ऊपर नीचे तुम कोई भी नोटेशन यूज करो, तुम्हारे को यही नोटेशन ऐसे ही सीक्वेंस में लिखना है, वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके। सो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन को लिख लो डायरी में। तुम पुराना वाला डायरी में लिख रहे हो? लो बैग में ऐसा क्या है? अब तो पक्का नहीं दे रहे। डन, ओके। अब मीटर ब्रिज, नहीं अब मीटर ब्रिज तो भी सुन लो, क्योंकि अगर सिंपल सा रहता, सिंपल सिंपल चीज़ है, क्या पता पूछ दे। सद्भव, तुम भी इन्हीं लोग के जितने शैतान हो क्या? ये दोनों के जैसे कि ये तुम इन्होंने, ये लोग तो इसको प्रियंका उधर है, ये कार्तिक, उन लोगों का तो हालत खराब कर देगा चिढ़ा के। मैं अपने दोस्त ले आऊंगा क्यों? हाँ तो मैं भी बोलूंगी चलो यहाँ से, मेरे को शौक चढ़ा है क्या? जो मेरा पागल पागल बनाएगा उसको मैं बैठा पड़ा।
क्या? बैठ गए तो बैठ गए। ओके सो इधर ध्यान दो। मीटर ब्रिज में तुम्हारा कंडीशंस क्या क्या रहता है? यहाँ पर मीटर ब्रिज के केस में एक तो तुम सबसे पहले ये क्या कहते हैं डायरी जो हम लोग कर रहे थे एक्सपेरिमेंट। यस, आर बाई एल वन इज इक्वल टू एस बाई 100 माइनस L1। डायग्राम, हाँ बेटा डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ। नहीं, पोटेंशियोमीटर ये नहीं। हाँ, तुम लोग का नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर में प्रैक्टिकल्स एक और दिन। अब तो तुम लोग का सब लोगों का स्कूल ऑफ हो गया ना, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली अब 11 बुलाऊंगी। ठीक है क्या? ओ हाँ, इसका तो सारा उतना। हाँ 15 तक होना भी चाहिए, प्रैक्टिकल्स खत्म हो भी जाएगा। ठीक है ठीक है, तो तुम्हारा 31 से पहले पहले में प्रैक्टिकल, अब तुम लोगों का ऑप्टिक्स वाला ही रह रहा है। इलेक्ट्रिकल वाला तो तुम लोगों ने कर लिया था, अब ऑप्टिक्स का ही रह रहा है मेनली। नहीं, वो टेंटेटिव डेट है, फर्स्ट से लेकर के 15 के बीच में रैंडम डेट्स रहेंगे, वो चीज है। नहीं डन, सद्भव नहीं बना रहा है? अच्छा, और ये तो तुम्हारे को लेकिन बनाना पड़ेगा रजिस्टर, वैसे रजिस्टर में बनाना है तुम्हारे को। कैसे बनाएगा, कैसे बनाएगा? ओ फिर यस, इधर भी बातें बंद, फटाफट बनाओ बातें बंद। तुम्हारे को लिखना है। हाँ, तुम जब मैं दूसरों को डांटती हूँ तब तो नहीं बोलते मैम हम लोग भी तो बात करें, हमारे को भी डांटो, बोले हो फिर एक मारूंगी अभी ठीक हो जाएगी। प्रवेक उसका सिलेबस में नहीं है इसीलिए वो बैठे नहीं है। अरे बना रहे हिमानी, डायरी में बन गया डायग्राम। अर्णव, हाँ, और ये कंडीशन लिख लिया, ये कंडीशन लिख लो एट बैलेंस पॉइंट, एट बैलेंस पॉइंट है ना। एट बैलेंस पॉइंट क्या हो जाता है? आर डिवाइडेड बाई L1 इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई 100 माइनस L1। ठीक है, मीटर स्केल है, इसका मतलब यहाँ पर जो तुम वायर का लेंथ यूज कर रहे हो वो 1 मीटर का ही होगा। ठीक है, यहाँ जो तुम्हारा वायर यूज हो रहा है वो तुम्हारा स्पेसिफिकली 1 मीटर का ही रहेगा। क्या बेटा? एस एस तुम्हारा अननोन रेजिस्टेंस है, आर तुम्हारा नोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हम लोग करेंगे। आर को लिख दो, ये नोन है, ये नोन होता है, और ये वाला तुम्हारा अननोन होता है। अरे ये बहुत सबसे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड यही वाला अभी करेंगे, ये वाला अभी तो करेंगे, और कब करेंगे? प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल वाले दिन तुम लोग आए नहीं, मारूंगी अभी ठीक हो जाएगा। हाँ, इंसाने वाला टाइम पे ही बुलाया मैंने, सुबह सुबह तुम कह रहे हो 4 बजे बुलाया था क्या मैंने? क्या
हाँ वो लेकिन क्लास तो 7:30 बजे था। उस दिन तिशा ने मेरे को बोला था, तिशा ने मुझे बोला था कि शायद तुम लोग का कंप्यूटर क्लास तुम्हारा तुम्हारा। हाँ बहुत अच्छी बात है, सो जाओ तुम, अभी भी सो जाओ, सोते ही रहो तुम। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं पूरा संडे बर्बाद करूंगी क्या अपना? मेरा संडे नहीं होता है, खाली तुम्हारा संडे, तुम्हारा संडे, मेरा संडे संडे। हाँ मैं, मेरे को ध्यान आ गया कि रुक जाना चाहिए मुझे। ओके सो यहाँ पर ये इसका कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो जाएगा तुम्हारा? व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, बैलेंस या फिर नॉर्मल व्हीटस्टोन ब्रिज भी लिख सकते हो, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक, सो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जा रहा है, यहाँ पर भी जो है ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर जो है वो जब कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है वो हमारा पॉइंट हो जाता है नल पॉइंट, और हम लोग वही निकालने का कोशिश करते हैं। ऑल राइट, ऐसे में हो क्या जाएगा, ये पूरा का पूरा सर्किट अब ध्यान से देखो, इधर अब ध्यान, यहाँ पर क्या हो जा रहा है तुम्हारा पॉइंट ए, ठीक है, और ये तुम्हारा लेटर से पॉइंट सी है। यहाँ पर जहाँ पर तुम्हारा गैल्वेनोमीटर जो है पॉइंट बी और डी के बीच में है, ए और सी के बीच में ही ये पॉइंट बी और पॉइंट डी है, तो ये तुम्हारा पॉइंट बी बना दिया मैंने और यहाँ पर तुम्हारा पॉइंट डी बना दिया। डाउट एनीवन? अब ए और बी के बीच में जो है तुम्हारा ये नोन रेजिस्टेंस है आर, और बी और सी के बीच में जो है वो तुम्हारा अननोन रेजिस्टेंस है एस। क्लियर है? ए और डी के बीच में जो तुम्हारा लेंथ ऑफ द वायर है वो कौन सा है? L1। सो ये आ जाएगा तुम्हारा रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L1। ठीक है, अगर टोटल लेंथ तुम्हारा 100 सेंटीमीटर है तो डीसी ये जो लेंथ है वो हो जाएगा तुम्हारा 100 माइनस L1। सो ये हो गया तुम्हारा रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस L1। बी और डी के बीच में कौन कनेक्टेड है? गैल्वेनोमीटर। ऑल राइट, सो ये आ गया तुम्हारा गैल्वेनोमीटर। यहां पर भी हम लोग क्या निकाल रहे हैं? नल पॉइंट निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो नल पॉइंट का मतलब क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और ए और सी के बीच में मैंने क्या कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पे बैटरी जो सोर्स है। तो ये तुम्हारा बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे दिख रहा है कि नहीं? क्या बाबू? हाँ हाँ हाँ, मीटर ब्रिज का तुम्हारा प्रैक्टिकल रहता है, यही कर रहा था। यस है ना। सो यहाँ पर भी तुम्हारा जब ये गैल्वेनोमीटर में तुम्हारा कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है तब तुम्हारा कंडीशन क्या हो जाएगा, R डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ L1 इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस L1। ठीक है, अब वायर के रेजिस्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये R डिवाइडेड बाय रो L1 बाय A है ना, रो L बाय A होता है, इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय रो 100 माइनस L1 बाय A। ऐसा लिख सकते हैं क्या? पूरा वायर सेम मटेरियल का है तो उसका रेजिस्टिविटी सेम रहेगा, एंड जो हमारा वायर होता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो तुम्हारा एकदम यूनिफॉर्म रहता है। ऑल राइट, हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हमारा एकदम यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का रहे वायर, एंड इसी वजह से हम लोग जॉकी को ऐसे ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि जॉकी जो है जब हम लोग बैलेंस पॉइंट निकालने का कोशिश करते हैं तो उसको हम लोग स्लाइड नहीं करते हैं, वी अवॉइड स्लाइडिंग। रीजन, क्योंकि वो तुम्हारा धीरे धीरे क्या होने लगेगा, हाँ उसका एरिया ऑफ क्रॉस, वो तुम्हारा पतला होता रहेगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, तो वहां पर हमारे को दिक्कत आ जाएगा। क्योंकि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो यहाँ पर जिस तरीके से रो को कैंसिल कर रहे हैं वहां पर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो लेंथ के प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा रेजिस्टेंस, एंड वॉट वी वॉन्ट इज कि लेंथ के प्रोपोर्शनल रहे, तभी जाकर के ये तुम्हारा सिंपली किस में रिड्यूस हो जा रहा है, आर डिवाइडेड बाई L1 इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई 100 माइनस L1।
मतलब आर के नीचे वाला जो लेंथ है, तो है ना, आर जिस लेंथ पे बैलेंस हो रहा है, तो यहाँ पर तुम देखो आर के नीचे वाला ही लेंथ जो है, लेंथ ऑफ द वायर जो है वही एल वन है, तो आर डिवाइडेड बाई एल वन इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई इसके नीचे जो लेंथ है। सदभव क्लियर हो गया अच्छे से, है ना? तो इसका प्रूफ आने का चांसेस रहता है, ठीक है? आज हम लोग थियरी थियरी कंप्लीट करते हैं, फिर मंडे को तुम लोग का डिस्कशन रहेगा एंड उसके बाद फिर हम लोग अगेन इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे क्या? हाँ, आज ये यूनिट का रहा तुम्हारा एमसीक्यू और थियोरेटिकल, अभी तो काम करना ही पड़ेगा, तुम लोग साल भर कुछ नहीं किया। हाँ, तुम उसने तो कुछ नहीं किया, फिर आ गया प्रवित, हो गया टाइम अप हो गया, आ जा आ जा आ जा आ जा। प्रियंका और प्रवित तुम लोग अपना होम असाइनमेंट लो और आगे आ जाओ। प्रवित एकदम आ गया, मेरा बात सुनते हो जो मैं तुम्हारा बात सुनू? आगे आ जाओ, आगे आओ, नहीं इधर प्रवित, हाय नहीं नहीं आ गया, तुम्हारा इनफैक्ट फोकस चाहिए, आगे उसको भी दो, सामने आओ, नहीं तुम बिल्कुल मेरा बात नहीं सुनते हो, मैं भी नहीं सुनने वाली, क्यों सुनू मैं तुम्हारा रिक्वेस्ट? आ गया प्रवित, सुनो बेटा मेरे को ना अभी और टाइम वेस्ट वगैरह नहीं चाहिए, तुम लोग अभी तो उसका सिलेबस में भी नहीं है, अभी ध्यान से सुन लो, अभी अगर मिस हुआ तो ये रिपीट नहीं होने वाला। हाँ तो क्यों बात करो उससे, उसको बोल नहीं पा रहे हो कि सामने दे, डन ओके। सो यहाँ पर तुम्हारा ये कंडीशन हो गया, अब पोटेंशियोमीटर है ना, एक तो तुम्हारे को पोटेंशियोमीटर में यहाँ पर इसके बारे में बोल पूछता है, क्या कहते हैं पोटेंशियोमीटर का भी हम लोग थोड़ा सा सिंपल सा सर्किट रख सकते हैं, जबरदस्ती में क्या पोटेंशियोमीटर का तो है तुम्हारा, लेकिन पोटेंशियोमीटर का ना चांसेस थोड़ा सा कम रहता है क्योंकि उसमें सेल बनाना रहता है, तुम लोग किए हो पोटेंशियोमीटर वाला सेल बना के, है ना? तुम लोग को हटा दिया, प्रैक्टिकल्स हटा दिए, ऑप्टिक्स वाला तो रहेगा और मीटर ब्रिज, मैक्सिमम स्कूल्स में मीटर ब्रिज का ही करवाया इस साल तो मैंने यही देखा, अदरवाइज हमने पोटेंशियोमीटर करवा रखा है मैंने और खुद ने भी हमने किया था। हाँ हाँ वो जो हम लोग ओम्स लॉ डिराइव कर रहे थे हमने किया था ना, हाँ वो वाला, वो रेजिस्टिविटी निकालना रहता है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, अच्छा वो सेंसिटिविटी वाला, अच्छा वो वाला कि गैल्वेनोमीटर सेंसिटिविटी, कौन सा कौन कौन सा आया था प्री बोर्ड में, वी इज इक्वल टू आई आर वाला ना, हाँ सिंपल सिंपल, ये सब तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड से रहते हैं। ओके यहाँ पर आकर के कोई अगर प्रैक्टिस अगर कोई करना चाहता है कभी भी तो मेरे से बात कर लेना और टाइम ले लेना, आकर के प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है? इस संडे, हाँ जो संडे मॉर्निंग, संडे को जो है ना मैं अवेलेबल रहती हूँ, मेरा अवेलेबिलिटी नहीं रहेगा इनफैक्ट दिस संडे, यस, लेकिन आकर के तुम अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो प्रैक्टिस करके सामान वगैरह नहीं कर पाओगे, अच्छा तो फिर तो वीकडेज को फिर टारगेट करो 11, ठीक है? ओके सो यहाँ पर पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर के भी केस में ध्यान, अब इधर ये तुम्हारा पोटेंशियोमीटर वायर है ना, ए बी, पोटेंशियोमीटर वायर जो है वो जरूरी नहीं रहता तुम्हारा 1 मीटर का रहे, वो हम लोग थोड़ा ज्यादा लेंथ का भी लेते हैं, ठीक है? हमारे पास जो यहाँ पर रखा हुआ है वो 4 वायर वाला है, तो मतलब उसमें करते क्या है इस तरीके से, तुम्हारे 4 वायर्स है ऑल राइट, और इस पॉइंट को फिर हम लोग बी नहीं करें कॉल करेंगे, ये यहाँ पर तुम्हारा थिक मेटल प्लेट्स के थ्रू ये तुम्हारा कनेक्टेड रहता है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा ए और बी के बीच में तुम्हारा 4 मीटर आ गया, इस तरीके से तुम्हारा कनेक्शन रहता है ऑल राइट। तो यहाँ पर डायग्राम में हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाइड ही रखते हैं, सो ये जो ए बी का लेंथ है इट कैन बी एनीथिंग,
ऑल राइट. सो 4 मीटर का रहता है, 10 मीटर का रहता है, 6 मीटर का रहता है एंड सो ऑन. अब यहाँ पर क्या रहता है, सबसे पहले हम लोग जस्ट पेरेंट सर्किट का बात कर रहे हैं, एज इन खाली पोटेंशियोमीटर का बात कर रहे हैं. ठीक है, ये तुम्हारा पोटेंशियोमीटर. ठीक है, सो यहाँ पर तुम्हारा एक की रहेगा, यहाँ पर तुम वेरिएबल रजिस्टर रखोगे एंड यहाँ पर तुम्हारा सोर्स रहेगा. ऑल राइट. सो यहाँ पर इस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई ना कोई एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है. ऑल राइट. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ ए बी हो जाएगा तुम्हारा आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ए बी. ठीक है, सो वी ए बी इज इक्वल टू आई आर को हम लोग क्या लिख देंगे, रो लेंथ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई ए. पूरे वायर में जो तुम्हारा करंट फ्लो करेगा, पूरे वायर में एक कॉन्स्टेंट करंट ही फ्लो करेगा, है ना, एक ही सिंगल वायर है. ठीक है, पैरेलल कनेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, एक सिंगल वायर, पूरे वायर में कॉन्स्टेंट करंट फ्लो करेगा. पूरे वायर का रेजिस्टिविटी कैसा है, कॉन्स्टेंट है, सेम मटेरियल से बना हुआ है. यहां पर भी हम लोग यूनिफॉर्म वायर लेते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वुड बी सेम, है ना. सो वी ए बी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इन टू लेंथ ए बी, ऐसा हम लोग कह सकते हैं. तो यहां पर एक तो तुम्हारे से पूछा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ ए बी डिवाइडेड बाई द लेंथ, ये हो जाता है तुम्हारा पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना. कोई डाउट? ठीक है. और यहां पर भी जो तुम्हारा, ये तो हमने पूरे पूरे वायर का बात करा ना. अब अगर हम लोग किसी रैंडम लेंथ का बात करें, है ना, लेट अस से कि मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया सी, सी तक का लेंथ जो है वो तुम्हारा एल है. ठीक है, सो यहां पर तुम्हारा वी ए सी भी जो है वो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ ए सी. ठीक है, तो ये हो जाएगा आई रो लेंथ ऑफ ए सी, या फिर लेंथ ऑफ ए सी को मैं एल, मैंने एल कॉल करा ना, तो एल डिवाइडेड बाई ए. ठीक है, सो अगेन यहां पर क्या आ जा रहा है, वी डिवाइडेड बाई वी ए सी, या फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को भी इन जनरल बात करते हैं हम लोग, वी डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू आई रो बाई ए आ जा रहा है, जो कि तुम्हारा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट. इसीलिए हम लोग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर लेते हैं, तभी जाकर के एरिया हर जगह सेम रहेगा, तभी जाकर के ये पूरा टर्म जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा. तो वी जो है, वी इज इक्वल टू अगेन क्या आ जा रहा है तुम्हारा, फाई इंटू एल. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर. जितना तुम लेंथ ले रहे हो उसके लेंथ के ऊपर डायरेक्ट, मतलब कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट लेंथ वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट सेक्शन. क्लियर है? सो तुम्हारे से ये सारी चीजें तुम्हारे से पूछी जाएंगी. ठीक है, तो ये तो हो गया ओनली पोटेंशियोमीटर का जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक सेगमेंट हुआ है, इसके बाद इसके यूजेस आएंगे. ठीक है, ये वाला क्लास तुम्हारा मिस हुआ था क्या, है ना, सी मेरे को याद है. लिख लिया, लिखो फटाफट. आज की क्लास ये पोटेंशियोमीटर ही मैं कंप्लीट करवाऊंगी. पोटेंशियोमीटर कंप्लीट हो गया, तुमको तो पता था पहले से. हाँ, और कुछ नहीं होगा, और कुछ क्यों करवाऊंगा बाकी जैसे भी इसी वाले बच्चे को, है ना. आगे का हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा. इसके दो एप्लीकेशन है, क्या वो है, और एक तुम्हारा ये कंपैरिजन ऑफ टू एएमएफ, और उसके बाद फिर क्या, नहीं उसके मैं थोड़ा सा वेरिएशंस वगैरह भी बताऊंगी, 15-20 हो जाना चाहिए. डन. कंफ्यूजन क्या, इसमें मैं लिखवाऊंगी कंपैरिजन ऑफ एएमएफ वगैरह में,
इनका डायग्राम वगैरह तुम्हारे को बनाना रहेगा, है ना, प्रॉपर तरीके से। तुम्हारे को इसमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ रहेगा, लेकिन वो डायग्राम तुम्हारा कॉपी में रहना चाहिए। अगर तुम्हारे को लग रहा है कि तुम लोगों को लेट हो रहा है, तो डायग्राम के लिए जगह छोड़ करके उसके बाद लिखो, और अगर टाइम बच जाता है तो ड्रॉ द डायग्राम। डायग्राम में अगर तुम चीजों को लेवलिंग कर दोगे ना प्रॉपर, तो तुम्हारे को लैंग्वेज में बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। सो डायग्राम बनाना इज मोर टाइम सेविंग, नहीं तो एक्सप्लेन करते रह जाओगे और कोई नहीं पढ़ने वाला इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन। क्या कह रहे हैं? मेरे हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि डायग्राम बनाना है उस इन दैट केस। डन, ओके। सो अब हमारा सबसे पहला यूज हम लोग देख लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ठीक है, सो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ, ठीक है। यहां पर एक ये चीज समझ पा रहे हो क्या कि करंट जो है वो फ्लो करेगा फ्रॉम ए टू बी। करंट फ्लोस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सो पॉइंट ए इज एट हाई पोटेंशियल, पॉइंट बी इज एट लो पोटेंशियल। ऑल राइट, अब यहां पर जब मुझे ईएमएफ को ये कंपेयर करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक अननोन सेल है मेरे पास, ठीक है। सो लेट अस से कि हमारे पास इस तरीके से एक अननोन सेल है, ठीक है, एंड इसका ईएमएफ जो है वो E1 है, ठीक। एंड इसका बैलेंसिंग लेंथ जो है, इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे अब गैल्वेनोमीटर से। एक चीज हमारे को, अच्छा अभी हमारे समझ में आ जाएगा। इसको हमने कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से, फिर अगेन हम लोग खोजने का कोशिश करेंगे जब गैल्वेनोमीटर कोई भी रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। लेट अस से कि बैलेंसिंग लेंथ जो है वो L1 पर आ रहा है। अगर गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो L1 लेंथ के अक्रॉस जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस है, वही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस ईएमएफ भी होगा, मतलब कि अक्रॉस दिस सेल भी होगा। अग्रीड, है ना। और कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस रहे चाहे ना रहे, हम लोगों ने ऑलरेडी आइडियल, ये नॉन आइडियल सेल में भी क्या देखा था, ईएमएफ इज इक्वल टू, ये जो तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज है, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर आ रहा था। लेकिन अगर करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है सेल के थ्रू, तो वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, ई के ही बराबर आएगा। क्या 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 E प्लस आई आर होता था चार्जिंग के केस में, है ना। यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अगर तुम्हारा इस ब्रांच के थ्रू तुम्हारा करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, तुम्हारा V इज इक्वल टू E ही आएगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लेंथ L1 है, दैट वुड बी सेम एज दी E1। तो इतना सब कुछ तुम्हारे को बताना नहीं। ऑल राइट, सो यहां पर क्या हो जाएगा, एट बैलेंस लेंथ L1 क्या हो जाएगा, तुम्हारा E1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ L1, एंड E1 इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 5 × L1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हमने लेटर से इसको दूसरे सेल से कनेक्ट करा, ये तुम्हारा E2 हो गया, एंड इसका बैलेंसिंग लेंथ जो है वो हमारा लेटर से L2 लेंथ पर आ रहा है, L2 लेंथ पर आ रहा है ना। सो फॉर सेकेंड सेल E2 इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 5 × L2। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। तो ये तो हम लोग कर रहे हैं डेरिवेशन ऑफ ईएमएफ, सॉरी कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ में हम लोग क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। तो E1 / E2 आ जाएगा तुम्हारा L1 / L2। द लेंथ्स आर नोन, सो यहां पर से हमारे पास क्या आ जा रहा है, द रेशियो ऑफ E1 एंड E2।
क्लियर है? अब इसके एप्लीकेशन का हम लोग वेरिएशंस करेंगे, इसको बना लो। लास्ट में मैं डायरी में लिखवाती हूँ, ठीक है? डन। इसके ऊपर वैसे कुछ है नहीं, ये रहा। कोई डाउट सदभव? घर में जाकर के रिवाइज करने के बाद वापस से अगर डाउट आता है तो तुम मेरे को वापस से पूछो। क्लियर है? क्या मत करो, मैं उनके लिए कह रही हूँ जो भी करता है। आर्यन करता हूँ, आर्यन पढ़ता है और ये लोग भी। हाँ अब नहीं पढ़ोगे, अब और कब पढ़ोगे? जिनको नहीं पढ़ना वो लोग एकदम रिलैक्स करें, चिल मारे। मैं उन्हीं के लिए बोल रही हूँ जो लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब इसमें यहाँ पर ध्यान दो, इधर। अब हो सकता है क्वेश्चन में तुम्हारे को फाइव का वैल्यू दिया रहे। फाइव का वैल्यू अगर दिया हुआ रहेगा तो ई वन इज इक्वल टू फाइव इंटू एल वन, तुम्हारा ई वन का भी वैल्यू निकल के आ जाएगा, ई टू का भी वैल्यू निकल के आ जाएगा। इस तरीके का तुम्हारे को सीधा सीधा पोटेंशियल ग्रेडिएंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ऑल राइट, जो हम लोगों ने ऊपर अभी देखा। तो तुम्हारे को एनफ डेटाज दिए हुए रहेंगे सो दैट कि तुम फाइव का वैल्यू निकाल लो, और साथ के में तुम्हारे को बता देगा कि व्हाट इज द बैलेंसिंग लेंथ। तो इन दैट केस तुम ईएमएफ का वैल्यू निकाल सकते हो। अगर तुम्हारा किसका, हाँ हाँ बिल्कुल, इसका यूनिट तुम्हारा वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, ठीक है? सेकेंडली तुम्हारे को यही सवाल में किस तरीके का वेरिएशन देगा, तुम्हारे को बोल देगा कि तुम्हारे पास दो सेल्स हैं, ठीक है? यहाँ पर तुम्हारे को बोल देगा कि दो सेल्स हैं। जब हमने सेल को इस तरीके से कनेक्ट करा, यानी कि मतलब सही तरीके से कनेक्ट करा, ये ई वन और ई टू, तब तुम्हारा जो बैलेंसिंग लेंथ है वो तुम्हारा एल वन आ रहा है। और जब एक के टर्मिनल को हमने पलट दिया, ये तुम्हारा ई वन एंड ई टू, तब तुम्हारा बैलेंसिंग लेंथ आ जा रहा है एल टू। तो ऐसे में तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये वाले को जब तुम मतलब कि यहाँ पर जब तुम्हारा ये ई वन ई टू इस तरीके से कनेक्टेड है, तब तुम्हारा बैलेंसिंग लेंथ एल वन पर आ जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा ई वन प्लस ई टू इज इक्वल टू फाइव एल वन। और सेकेंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंड कनेक्शन में इसको हम लोग पलट दे रहे हैं, ये हो जा रहा है तुम्हारा इस तरीके से ई टू, और अब तुम्हारा बैलेंसिंग लेंथ लेंथ एल टू पर आ रहा है। तो ई वन माइनस ई टू वुड बी इक्वल टू फाइव एल टू, दोनों को डिवाइड करोगे, ई वन प्लस ई टू डिवाइडेड बाई ई वन माइनस ई टू वुड बी इक्वल टू एल वन बाई एल टू। L1 L2 तुम्हारे को दिया हुआ रहेगा, तुम्हारे को अगेन पूछ देगा व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ E1 एंड E2, निकल के आ जाएगा यहाँ पर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है? न्यूमेरिकल्स रहेंगे उसमें तुम्हारा, ट्राई करना आ जाएगा। तो ये तुम्हारे फॉर्मेट्स ऑफ द क्वेश्चंस हो जाते हैं, इनको नोट कर लो। इसे क्या बढ़ता इसका लिख लो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में लिख लो, टाइप्स ऑफ वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चन, ये तुम्हारा एक फॉर्मेट हो गया। बाकी तो तुम्हारा डायरेक्ट जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जो डेरिवेशन बेस्ड है, उस तरीके का डायरेक्ट सवाल पूछ देगा, अदरवाइज इसमें खाली तुम्हारे को मैंने वेरिएशन बता दिया, ठीक? हिमानी अर्णव क्लियर है? ओके या E1 माइनस E2 में तुम्हारा बैलेंसिंग लेंथ कम आएगा वैसे, है ना? इफेक्टिव ईएमएफ जो है वो कम है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो। ये L1 अगर इधर है तो L2 थोड़ा सा कम आएगा, समझ पा रहे हो ना? E1 माइनस E2 है ना, तो करेस्पॉन्डिंग लेंथ विल बी आल्सो स्मॉलर, दिस वुड बी योर L2। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
क्लियर है? बढ़ेंगे आगे। ओके, सेकेंडली जो है तुम्हारे को ना एक्सप्लेन टाइप क्वेश्चंस पे पूछा जा सकता है कि जो ईएमएफ ऑफ द सेल जिनको हम चेक कर रहे हैं उनका जो ईएमएफ है शुड बी लेस देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, है ना? उसका रीजन क्या है? मुझे बैलेंसिंग लेंथ चाहिए, है ना? लेट अस से ऊपर वाले डायग्राम में जाते हैं। ये जो तुम्हारा ईएमएफ है इसका वैल्यू जो है वो तुम्हारा 3 वोल्ट है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी जो है वो तुम्हारा 2 वोल्ट का है, तो इसका तो बैलेंसिंग लेंथ हमारे को कभी मिल ही नहीं पाएगा। समझ पा रहे हो? यस, कंफ्यूजन? एक बार नीचे कर दो। क्या डिवाइड कर दिया? ई1 प्लस ई2 डिवाइडेड बाय ई1 माइनस ई2, ठीक है? हाँ, सो हम लोग कहाँ पर थे? इधर। यहाँ पर एक्सप्लेन टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो, या फिर जो तुम्हारा सोर्स वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज भी जो है जिस ईएमएफ को हम लोग मेजर कर रहे हैं उससे तो ज्यादा होना ही पड़ेगा, तभी जाकर के पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ ए बी जो है वो उसका भी नेसेसरी कंडीशन क्या रहेगा कि जिस भी ईएमएफ को हम लोग कंपेयर करना चाह रहे हैं उसके ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए अक्रॉस द होल लेंथ ऑफ द पोटेंशियल मीटर, है ना? अदरवाइज हमारे को बैलेंसिंग लेंथ मिल ही नहीं पाएगा, है ना? सो यहाँ पर अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी जो है वो 2 वोल्ट का आ रहा है तो मतलब कि 2 वोल्ट से कम रहना चाहिए हमारा ईएमएफ का वैल्यूज, 1.5 रहेगा तो मुझे पता है कि बीच में कोई एक लेंथ पे 1.5 का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, तभी जाकर के हमारे को बैलेंसिंग लेंथ मिलेंगे, ठीक है? अब हमारा आ जाता है अगला, विच इज डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। Determination of internal resistance of cell. कोई कुछ बोलना चाह रहा था क्या? यहाँ पे बहुत रोबो टाइप आवाज आ रही थी। यहाँ पर बैलेंसिंग नहीं थी, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा रहा हूँ। यहाँ पर तुम्हारा गैल्वेनोमीटर लगा है। आर्यन क्या कर रहा है? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? रखो उसको, रखो फटाफट। अच्छा हाँ, तुम्हारा लिखा हुआ लेकिन फिर भी बट डन करो एक्सप्लेन, ठीक है? सो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ये जो हमारा सेल है इसमें ऐसा तो है नहीं कि इनके पास इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है,
इनटू इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा था ऊपर वाले केस में, जैसे हम लोगों ने देखा था, हम लोग बैलेंसिंग लेंथ निकाल रहे। बैलेंसिंग लेंथ में तुम्हारा गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था, जिस वजह से टर्मिनल वोल्टेज वो सेम एज दैट ऑफ द ईएमएफ। ऑलराइट, सो यहां पर भी जो है, यहां पर भी इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को शो कर देते हैं स्मॉल आर। ठीक, अब यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहला काम जो कर रहे हैं वो ये है कि खाली इस सेल का, जिस तरीके से ऊपर हमने बैलेंसिंग लेंथ निकाला था वैसे ही हम लोग खाली इस सेल का बैलेंसिंग लेंथ निकाल रहे हैं। यहाँ पर तुम देख रहे हो, यहाँ पर की को मैंने प्लग इन नहीं करा है, यानी कि ये वाला जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ये तुम्हारा कनेक्टेड नहीं है इस सर्किट से। ऑलराइट, रेजिस्टेंस बॉक्स इज नॉट कनेक्टेड टू द सर्किट। सो अभी जो हम लोग बैलेंसिंग लेंथ निकाल रहे हैं वो खाली किसको बैलेंस करके दे रहा है मुझे, द ईएमएफ ऑफ द सेल। गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो इस छोटे से आर का भी कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा, कोई भी टर्म नहीं आएगा। क्यों? अगेन द करंट फ्लोइंग इज जीरो, so the potential difference across these two points would be E only, and इन दोनों points के बीच का potential difference is same as the potential difference across the length L। तो सबसे पहले E is equal to आ जा रहा है हमारा phi L, है ना, या फिर हाँ इसको L one कह दो या फिर L ही रहने दो। ठीक है, equation number one clear है क्या? इस वाले को यहाँ पे जितना ही ध्यान से सुन सकते हो उतने ध्यान से सुन लो, क्योंकि मोर और लेस सारे बैच में इस वाले प्रूफ को लेकर के लास्ट तक मेरे से बच्चे पूछे कि मैम एक और बार बता दो, तो इसलिए मैं वेरी वेरी केयरफुल। अगर एक और बार मैं बताऊंगी बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन जितना अच्छे से बार बार करके समझ लोगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो अभी भी अपना एकदम 100% फोकस अभी यहाँ पे रहना चाहिए, ये वाला पोर्शन तक तो आराम से समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या हो जा रहा है तुम्हारा, यहां पर मुझे अगर इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए तो मेरा रिक्वायरमेंट रहेगा कि मेरा सेल वर्किंग कंडीशन में रहे, तभी जाकर के इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। ऑलराइट, सो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसको जैसे ही प्लग इन कर देंगे उसके बाद फिर हम लोग नया क्या कहते हैं तुम्हारा बैलेंसिंग लेंथ निकालने का कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पर अगेन तुम्हारा कुछ एक बैलेंसिंग लेंथ आएगा, उसको हमने कह दिया L2, ये हो गया तुम्हारा L2, है ना, ये वाला बैलेंसिंग लेंथ है तुम्हारा कम, सॉरी L2 या फिर L डैश कह देते हैं यहाँ पर भी। अब जो है यहाँ पर जो तुम्हारा बैलेंसिंग लेंथ आ रहा है गैल्वेनोमीटर से जो कनेक्शन है, ये तुम्हारा लेटेस्ट है L डैश, दिस इज योर L डैश लेंथ। ठीक है, जब मैंने क्या कर दिया, प्लग इन कर दिया, तब जो तुम्हारा बैलेंसिंग लेंथ है वो एल डैश है। सो अब यहां पर तुम्हारे को ध्यान देना है, इस एल को मैं थोड़ा सा नीट कर दे रही हूँ इस डायग्राम को। ऑलराइट, अभी मेरा यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ जो है यहाँ पर आ गया है, इस पॉइंट पर मेरा बैलेंसिंग लेंथ आया। तो ऐसे में हो क्या रहा है, अगेन जो तुम्हारा एल वन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, फाइव एल वन होगा, दिस वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस लेंथ। अगर गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में होगा। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका है अक्रॉस द रेजिस्टेंस बॉक्स या फिर अक्रॉस द सेल। कोई डाउट, वापस से बताऊं क्या? ओके, तो एक काम करते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा सा बनाते हैं। ठीक है, ये लेंथ पूरा हो गया एंड इसके बैलेंसिंग लेंथ को मैं थोड़ा इधर दिखा देती हूँ। ये लेंथ जो है वो तुम्हारा L2 लेंथ हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इस लेंथ L2 के अक्रॉस जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइव L2 है। गैल्वेनोमीटर तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो भी तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल क्या डिफरेंस किन के बीच में होगा, ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट। क्लियर है यहां तक? अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कौन कौन कनेक्टेड है, एक तो ऊपर वाले रास्ते से भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। इस पॉइंट को मैं एक्स और वाई कह दे रही हूँ फॉर द टाइम बीइंग। X और Y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे निकालना है, इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में तुम्हारा रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड है, साथ में और कौन कनेक्टेड है, द सेल एज वेल। तो सेल के अक्रॉस का भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस XY होगा,
विच इज सेम एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस बैलेंसिंग लेंथ. श्योर, कोई डाउट नहीं? ओके. अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक एडिशनल मेरे पास सर्किट बन गया है. यहां पर ये यह ऑरेंज वाला एक एडिशनल सर्किट बना है. यहां पर होगा क्या, करंट यहां पर फ्लो करेगा. इस करंट को मैं स्मॉल आई कह दे रही हूं. यहां पर करंट फ्लो करके इस रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू फ्लो करके इसी सर्किट में ट्रैप्ड रह जाएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर को मैंने वहां पर कनेक्ट करा है जब गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है. तो ये जो तुम्हारा करंट है वो यहां पर आकर के डिवाइड होने का कोशिश करेगा, लेकिन मैंने तो बैलेंसिंग लेंथ निकाला है. सो द एंटायर करंट हैज टू फ्लो विद इन दिस सर्किट ओनली. ये ऊपर वाले सर्किट में तुम्हारा खाली करंट रन करेगा. क्लियर हो गया बात? एक और बार बता देते हैं. यहां पर क्या हो रहा है, तुम्हारा इस सेल के साथ जैसे ही मैंने इस की को प्लग इन करा तो ऊपर एक छोटा सा सर्किट बन गया है ना. अब इस सर्किट, अब क्या होगा, ये करंट फ्लो करवाना शुरू करेगा. करंट फ्लो कर रहा है रेजिस्टेंस बॉक्स पर आया. इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, यहां पर करंट का टेंडेंसी रहेगा टू स्प्लिट, लेकिन मैंने कौन सा कंडीशन निकाल रखा है, नल पॉइंट पे. नल पॉइंट का मतलब गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नो डिफ्लेक्शन. नो डिफ्लेक्शन मतलब कोई भी करंट इसके थ्रू नहीं फ्लो करेगा. सो द एंटायर करंट हैज टू फ्लो थ्रू स्मॉल आर ओनली. तो ये जो तुम्हारा आई है वो इसी सर्किट में, इसी लूप में क्या रह जा रहा है, ट्रैप्ड रह जा रहा है ना. ये वाला जो तुम्हारा डेरिवेशन है ना, इसको घर जाकर के बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करना. एक बार भी तुम्हारे को लग रहा है कि क्योंकि मैम ने बोला था इसीलिए किया है, वहां पर ही रुक जाना है. पूछ लेना आकर के मेरे से कि मैम आपने ऐसा क्यों बोला था, ठीक है. और अगर तुम्हारे को वो रीजन मिल जाता है देन वेल एंड गुड, लेकिन इसको समझ के कर लो. अदरवाइज अगर ये वाला आएगा तो फंस जाओगे, ठीक. तुम्हारा नहीं, ओके. सो यहां पर ये रहा. सो यहां पर हम लोग आई निकाल सकते हैं. रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस तुम्हारे को पता रहेगा, इसके रेजिस्टेंस को लेटर से हम लोग आर कह रहे हैं. तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा सिंपली ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. कोई डाउट? ये कैपिटल आर और स्मॉल आर मेरे को सीरीज में लग रहा है. अब जो है हमारे को अब नल पॉइंट मिल रखा है कहां पर, लेंथ एल टू पे. और एक्स वाई के अक्रॉस अगर मैं जा रही हूं थ्रू ऊपर वाला पॉइंट है ना, मैं नीचे वाले को अवॉइड करी हूँ, क्योंकि यहां पर क्या आ जाएगा, मेरा ई माइनस आई आर आएगा सेल के अक्रॉस. एक एडिशनल टर्म है, सो आई वॉन्ट टू अवॉइड इट. ऊपर वाले के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस बॉक्स है वो कितना हो जाएगा, सिंपली आई इंटू कैपिटल आर. और ऊपर वाले रास्ते में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है. सो यहां पर क्या हो जाएगा, आई इंटू कैपिटल आर वुड बी इक्वल टू फाइव इंटू एल टू. अब हम लोग यहां पर, अब तुम्हारा मैथमेटिकल है, अब समझने वाला सारा सब कुछ हो गया हमारा. दिस इज योर इक्वेशन वन, दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू. दोनों को डिवाइड करते ई डिवाइडेड बाई आई आर इज इक्वल टू सॉरी फाइव तो तुम्हारा कैंसिल होगा, एल वन बाई एल टू. क्लियर है? अब हमारे को चाहिए क्या, मुझे स्मॉल आर चाहिए है ना. तो आई को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, आई को उठा के यहाँ पर पुट कर देते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, ई डिवाइडेड बाई ई बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू एल वन बाई एल टू. ई से ई गायब. अब हमारे को खाली सॉल्व करना है, ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू एल वन बाई. अच्छा, पहले वाले लेंथ को मैंने एल ही मान रखा था. नहीं नहीं यहाँ पर वो चीज नहीं रहेगा, अलग अलग केसेस में हम लोग निकाल रहे हैं है ना. सो एल वन बाई एल टू हो गया, ठीक. ये तुम्हारा स्मॉल आर निकालना है, कैपिटल आर बाई आर प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर. कैपिटल आर मेरा नोन रहेगा है ना, रेजिस्टेंस बॉक्स में हम लोग कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारा नोन रहेगा. एल वन बाई एल टू, सो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर हो जाएगा तुम्हारा एल वन बाई एल टू माइनस वन कैपिटल आर बाई आर वन हो गया. बोलो एल, हाँ उसको मैंने ऊपर भी एल वन कर दिया, ठीक है. सो आर इंटू एल वन बाई एल टू माइनस वन, ये तुम्हारा पूरा का पूरा आ गया. डेरिवेशन कहाँ से, कितना चलेगा. एक मिनट लोगों को लिख लेने दो.
नीचे वाले रास्ते से भी जाता तभी भी आ जाता ई माइनस आई आर, खाली वो थोड़ा सा तुम्हारा लेंदी हो जाता कैलकुलेशन। हाँ 2-3 स्टेप ही तुम्हारा ज्यादा एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, थक गए, नीचे करो। एक मिनट, सबको लिखना दो। सेकेंड इक्वेशन तक लिख लिया क्या सबने? आई आर इज इक्वल टू 5L2। करो स्क्रोल। ओके ये रहा, ये फाइनल रिजल्ट। ठीक है, ओके सो आज का क्लास ओवर। हमारा नेक्स्ट क्लास में इसी का असाइनमेंट डिस्कशन होगा क्या बाबू? हाँ डायरी का मैंने नहीं लिखा, चलो क्या मार्क कर। ये तुम्हारा ये तुम्हारे को हेडिंग के साथ लिखना रहेगा, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ में E2 इज इक्वल टू L1/L2। इसको मार्क कर लो विथ हेडिंग। ऑल राइट, कंपेयर पोटेंशियोमीटर सबसे पहले हेडिंग दोगे, ये मैं लिख देती हूँ, तुम लोग या तो पैरेलली लिख ही लो या फिर फोटो ले लो। सो पोटेंशियो मीटर और क्या मिस हुआ तो गया उसके बाद, फिर कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ में तुम्हारा क्या आ जाएगा? E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2 एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस है ना। ये स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर L1/L2 -1। L1 इज बैलेंसिंग लेंथ बैलेंसिंग लेंथ व्हेन की इज ऑफ है ना, जब हम लोग की को बंद करके रखेंगे तब का बैलेंसिंग लेंथ, एंड L2 बैलेंसिंग लेंथ व्हेन की इज ऑन। कैपिटल आर जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स है ना, ये तुम्हारा नोन है ना। ठीक है, इसमें तो तुम्हारा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, E1 के साथ बैलेंसिंग लेंथ और E2 के साथ बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, एक और छोटा सा चीज, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू V/L। ठीक है, हाँ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स और नोन रेजिस्टेंस, इसका तुम्हारे को पता रहे, स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक ना, ओके तो इसके असाइनमेंट को ट्राई करना है तुम लोगों को। ठीक है, एंड जो डाउट्स आते हैं वो भी पूछना, साथ के साथ मैं डिस्कशन भी करूंगी। ठीक, ओके।